और चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। देहरादून से खबर है, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का बयान। वीरान कलियार को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया था कि वीरान कलियार में अनैतिक काम हो रहे हैं और आस्था पर कुछ लोग बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। शादाब शम्स के बयान को लेकर अब विवाद भी शुरू हो गया है। बेतुका बयान उनके तरफ से दिया गया था, जिसके बाद अब चारों तरफ से घिरे हुए नजर आ रहे हैं शादाब शम्स। आपको बता दें कि वीरान कलियार को लेकर यह बयान शादाब शम्स की तरफ से दिया गया था। कि जहां से लोग मांगने आते हैं आज वो गंदगी का अड्डा बन गया है। आज वहां मेरी कई पुलिस अधिकारियों से, LIU के साथियों से बात हुई तो कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। आज की डेट में वीरान कलियार ड्रग्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। वीरान कलियार आज की डेट में वैश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। कई सारे जो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको नाकाबिले बर्दाश्त हैं, और हमने बिल्कुल मन बनाया है मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनकी सबकी सफाई करेंगे। एक भी गलत आदमी को हम वीरान कलियार में रुकने नहीं देंगे। और देखिए, शादाब शम्स के बयान पर कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास की प्रतिक्रिया सामने आई है। कलियार एक पवित्र स्थान है, उसके बारे में ऐसा बयान देना ठीक नहीं है। शादाब शम्स के पास कोई सबूत होंगे तभी उन्होंने बयान दिया होगा। ये शादाब शम्स का निजी बयान है। चंदन राम दास ने शादाब शम्स के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि उनके पास कोई सबूत होगा तभी उन्होंने ये बयान देना दिया है, लेकिन कलियार एक पवित्र स्थान है, उसके बारे में ऐसा बयान देना ठीक नहीं है। तो शादाब शम्स के वीरान कलियार को लेकर दिए गए बयान पर विवाद अब शुरू हो गया है, और उस पर प्रतिक्रिया आने भी लोगों की अब शुरू हो गई है। अभी अभी वह बोर्ड का गठन हुआ है, हमारे ऊर्जावान नेता शादाब भाई उसके निर्विरोध अध्यक्ष हुए हैं, और जो उन्होंने बयान दिया है मैं समझता हूँ ये उनका निजी बयान है। ये ना मेरे विभाग का बयान है ना हमारी सरकार का बयान है, और मैं परीक्षण करूंगा इसका, और अभी तक इस टाइप की कोई मेरे पास शिकायत नहीं आई है। और यद्यपि उनकी शिकायत में अगर कोई तख्ता सबूत होंगे पुख्ता, उसकी जांच जरूर होगी, मगर ये बयान उनका निजी है, हमारा कोई बयान इसे लेने देना नहीं। वीरान कलियार एक पवित्र स्थान है, पहले ऐसे स्थानों के बारे में बोलना इसके लिए बचना चाहिए, और बिना किसी सबूत के मैं समझता हूँ कि ऐसे आरोप नहीं लगने चाहिए। मैं भी उनसे बात करूँगा, यदि उनके पास कोई ऐसा कोई पुख्ता सबूत होगा तो उस पर फिर हम विचार करेंगे। और शादाब शम्स के बयान पर कांग्रेस का भाजपा पर हमला। कांग्रेस का कहना है कि जब वीरान कलियार में अनैतिक काम हो रहे थे तो सरकार अब तक कहाँ सोई हुई थी। हमारे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसके साथ साथ हेमकुंड साहिब और वीरान कलियार, इनको पांचवा और छठा धाम कहा जाता है। और पांचवे और छठे धाम के बारे में जिस प्रकार की बात वक्फ बोर्ड के माननीय अध्यक्ष जी ने कही है, तो बड़ी गंभीर बात है। अगर उनकी बात में सच्चाई है तो निश्चित तौर पे सरकार को ये बताना चाहिए कि 5.5-6 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस राज्य में हो गए। अगर वहाँ पर वैश्यावृत्ति का अड्डा चल रहा है, अगर वहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम चल रहा है, अगर वहाँ पर ड्रग्स का, नशे के सामान का बड़ा अड्डा वहाँ पर चल रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आज वो अध्यक्ष बने हैं और वहाँ पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, कहीं ड्रग्स का अड्डा बना हुआ है, कहीं वैश्यावृत्ति का अड्डा बना हुआ है, तो उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। कोई गैर कानूनी काम वहाँ हो रहा है तो इसका मतलब 6 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल है और पूरे ही प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर खराब है। वो तो अपने ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनकी कोई नाराज़गी इसके मायने भारतीय जनता पार्टी से होगी तो उस नाराज़गी के चलते उन्होंने ये बयान दिया है। और अगर ये स्थिति एक जगह की है तो फिर पूरे प्रदेश की भी यही स्थिति होगी, क्योंकि इतने भारी पुलिस बल के बीच में अगर कोई गैरकानूनी काम हो रहा है तो इसका जवाब तो उत्तराखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और पुलिस के आला अधिकारियों को देना चाहिए।
शादाब शम्स के बयान पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने भी हमला बोला है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष नैयर काजमी ने इसका विरोध जताया है। शादाब शम्स ऐसे बयान को वापस ले और माफी मांगे। साबिर पाक पिरान कलियर को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। बीजेपी को ऐसे शख्स को जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए थी। तो ये बड़ा बयान सामने आया है शादाब शम्स के बयान को लेकर और एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने इसका विरोध जताया है। वो जो बयान है उनका वो बचकाना बयान है। उस बयान में कहीं से कहीं तक कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरी पिरान कलिया शरीफ को टारगेट कर दिया है। पूरे पिरान कलिया शरीफ को सेक्स रैकेट का अड्डा बता दिया है, मानव तस्करी का अड्डा बता दिया है, ड्रग्स का कारोबार का अड्डा बता दिया है। वो तमाम बातें जो उन्होंने की हैं वो एक छोटा बच्चा जिसके अंदर सोचने और समझने की सलाहियत नहीं होती, वो उन्होंने वो तमाम बातें कलिया शरीफ के बारे में कही हैं। मैं उसको कंडम करता हूँ और मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे करवाया जाएगा। मदरसों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तराखंड में मदरसों का सर्वे होना जरूरी है। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बने मदरसों का भी सर्वे होगा और राज्य में मदरसों के चिन्हीकरण की जरूरत है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कही गई है। तो देवभूमि में भी अब मदरसों का जो सर्वे है वो किया जाएगा। साफ तौर पर संकेत सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दे दिए गए हैं। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बने मदरसों का सर्वे होगा और राज्यों में मदरसों के चिन्हीकरण की जरूरत है। तो उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कह दिया है कि मदरसों के चिन्हीकरण की राज्य में जरूरत है और जल्द ही जो सर्वे का काम है वो शुरू हो जाएगा और वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उन पर बने मदरसों का भी सर्वे होगा। बहुत सारी जगह पर मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए उसका एक बार सर्वे होना बहुत नितांत जरूरी है जिससे कि सारी वस्तु स्थिति जो है स्पष्ट हो पाए। सुना आपने सीएम को कि कई जगह से जो खबरें हैं वो मिल रही थी मदरसों को लेकर और इस पर अब ये जरूरी हो गया है कि उत्तराखंड में भी जो मदरसे हैं उनका सर्वे हो और जल्द ही ये काम शुरू हो जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर ये बयान दिया है। वक्फ बोर्ड में भी जो जमीनें बनी हुई हैं जिनमें मदरसे बने हुए हैं उन पर भी जो ये सर्वे है वो किया जाएगा और जरूरत है जल्द से जल्द इस सर्वे की शुरुआत की। तो देखिए पंचायत चुनाव से पहले सीएम का ये बयान कि मदरसों का सर्वे होगा कहीं ना कहीं काफी मायने अब इसके निकाले जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां पर मदरसों के सर्वे का ऐलान सीएम की तरफ से कर दिया गया है और जल्द ही जो ये सर्वे का काम है ये भी शुरू हो जाएगा। ज्यादा जरूरी है उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे होना क्योंकि कई तरह की खामियां कई बार जो शिकायतें हैं मदरसों को लेकर वो मिल रही थी। ये अपने बयान में मुख्यमंत्री ने कहा जिसके बाद अब सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि मदरसों का सर्वे भी किया जाएगा और आगे आने वाले समय में जल्द से जल्द इन सर्वे को शुरू किया जाएगा। तो यूपी में एक तरफ तो सर्वे जारी है तो दूसरी तरफ देवभूमि में भी मदरसों के सर्वे का ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से कर दिया गया है। और चलिए रवि कैंतुरा फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, अब देवभूमि में भी मदरसों के सर्वे का ऐलान सीएम की तरफ से कर दिया गया है, क्या जानकारी और मिल रही है? कब से जो सर्वे है इसकी शुरुआत हो सकती है? कैसे जो ये सर्वे है ये किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री का ये बड़ा बयान है कि जो मदरसे चल रहे हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं, क्या नियमों के हिसाब से चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे हैं, कितने मदरसे प्रदेश में हैं, उनका किस तरीके से रजिस्ट्रेशन है, इन तमाम चीजों को लेकर ही कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि सर्वे किया जाएगा। वहीं अगर मदरसे संचालकों की बात करें तो उनकी ओर से बयान आ गया है कि सरकार जरूर इसकी जांच कराए लेकिन जो फंडामेंटल राइट है उनका भी ध्यान रखा जाए, सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए यही जो मदरसे हैं उनकी जांच की जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री साफ कर चुके हैं कि मदरसों की जो संख्या है, जो मदरसों की मान्यता है, क्योंकि अभी चार मदरसों की मान्यता की बात आई है कि वो खत्म कर दी गई है, तो जो सरकार ने जो ऐलान किया है मदरसा बोर्ड के जो रजिस्ट्रार हैं उनका भी ये कहना है कि जिस तरीके से यूपी में मदरसों के सर्वे के बाद अब उत्तराखंड में सर्वे हो रहा है तो उत्तराखंड में 419 मदरसे रजिस्टर्ड है, चार मदरसों की मान्यता खत्म कर दी गई है। तो धामी सरकार इन मदरसों का सर्वे जो है वो कराए लेकिन जो तमाम जो फंडामेंटल राइट है उनका भी ध्यान रखा जाए। हालांकि सरकार को ये देखना होगा किस तरीके से मदरसों का ये पूरा सर्वे होगा और इस पर किस तरीके की पूरी तरीके से आगे की जो है वो जांच की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री साफ कर चुके हैं कि लगातार
जो मदरसे हैं उनको लेकर कई बार सवाल भी उठे हैं, क्योंकि अभी 192 मदरसे ऐसे हैं जिनको सरकार की ओर से सहायता मिलती है, वित्तीय सहायता मिलती है, लेकिन इसमें जो बच्चों के सामने जो बड़ा संकट आता है वो ये आता है कि अगर पांचवीं तक वो वहां पर पढ़ाई करते हैं तो छठवीं में उनको एडमिशन नहीं मिलता है। कि ये बात सामने आती है कि जिस मदरसे से आपने पांचवीं तक पढ़ाई की है वो उनकी मान्यता नहीं थी, तो ऐसे में बच्चों का भविष्य जो है खतरे में आ जाता है। तो लगातार इसी इन तमाम चीजों को लेकर कि बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहे जो मदरसे में पढ़ रहे हैं, उन तमाम चीजों को भी देखा जाए ताकि आगे जो छठवीं का एडमिशन है फिर वो आठवीं तक वहां पर से नवीं में एडमिशन नहीं मिलता है, तो इन तमाम चीजों का जो वो बच्चों का भविष्य को देखते हुए उन पर जो है पहले से ही अगर तमाम मदरसों पर एक जांच की जाएगी, उनको देखा जाएगा कि वो सही दायरे में चल रहे हैं, जो अधिकार है उस अधिकार क्षेत्र में है या फिर नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं सही रहेगा बच्चों के भविष्य के लिहाज से। और मदरसे संचालक भी इसमें कहीं ना कहीं सहमत है कि इस तरीके का होना चाहिए, हालांकि उन्होंने अपनी एक मांग की है जो फंडामेंटल राइट है उनका भी इसमें ध्यान रखा जाए। जी चलिए, बहुत धन्यवाद रवि आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो मदरसों का जो सर्वे होगा उत्तराखंड में क्या क्या बिंदु रहने वाले हैं, किन मुख्य बिंदुओं पर यह सर्वे किया जाएगा, इसके बारे में रवि जानकारी दे रहे थे। तो उत्तर प्रदेश के बाद अब देवभूमि में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से यह कहा गया है कि मदरसों का सर्वे यहां पर होगा। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बेरोजगार युवाओं के लिए खोला रोजगार का पिटारा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जारी करेगा 23 परीक्षाओं का विज्ञापन। एक हफ्ते के अंदर परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा और जल्द ही 7000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 323 परीक्षाओं को कराया जाएगा। इधर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कर्णप्रयाग पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वागत किया और अपने दौरे के दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सिमली में महिला बेस अस्पताल का निरीक्षण और अवलोकन किया। तो उत्तराखंड के राज्यपाल बनने के बाद गुरमीत सिंह के कार्यकाल का एक साल पूरा होने जा रहा है और इसी पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से खास बातचीत की हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने। आपने अभी माइग्रेशन की बात की है, चूंकि आप संवैधानिक प्रमुख हैं उत्तराखंड सरकार के, तो आप अपनी तरफ से भी सरकार को कोई सजेशन या कोई प्लान या कोई एक लेआउट बना के देना चाहेंगे कि भाई इस पर आप काम करिए। रिवर्स माइग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो पूरा उत्तराखंड के लिए एक चैलेंज है। हम तो चाहते हैं कि हमारा पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा हो और ये तभी होगा जब हम अपनी प्लानिंग ठीक से करें। आपको तो याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ के प्रांगण से कहा था कि 21st century बिलोंग टू उत्तराखंड, अगला दशक उत्तराखंड का है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये सब अचीव करने के लिए हमारे को डिटेल से अपना रोड मैप बनाना पड़ेगा, किस प्रकार से हम जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं उसको एक्सप्लॉयट कर सकते हैं। जैसे मैंने स्ट्रेंथ कहा, जैसे नेचुरल फार्मिंग हमारी स्ट्रेंथ है, हमको टेक्नोलॉजी को भी लाना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास में ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ उत्तराखंड के पास में एक वरदान की तरह हैं। स्पिरिचुअल टूरिज्म का इकोसिस्टम कैसा बनाया जाए, मैं तो कहूँगा कि अगर आप बारीकी से देखेंगे जो प्राकृतिक ने हमको देन दिया है, जो एरोमेटिक्स हैं, जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जिस प्रकार से मैं कहूँगा कि आपने देखा कि किस प्रकार से कीवी जो जड़ी बूटियाँ हैं, आयुर्वेद, योगा, हमारा ये तप भूमि है, लोग आना चाहते हैं। अभी आप बारीकी से देखेंगे तो चार धाम यात्रा में 33 लाख से भी ज़्यादा लोग आ चुके हैं। 15 दिन का कांवड़ यात्रा थी और 3,88,00,000 आए। इसके अलावा सिख धर्म के, हर एक धर्म के यहाँ पर आते हैं और उत्तराखंड तो स्पिरिचुअलिज्म का एक गढ़ है। आपकी बातों से ये तो एक रिफ्लेक्शन आ गया है कि आपका एक साल बहुत ही सेटिस्फेक्शन वाला आपका रहा, आपके चेहरा और आपकी बातचीत सब बता रही हैं। क्योंकि राजभवन की तरफ लोग इस हायर एजुकेशन के सेक्टर में भी बड़ी उम्मीद से देखते हैं, चूँकि आप कुलाधिपति हैं, सभी विश्वविद्यालयों के चांसलर हैं आप, तो वहाँ क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए आपके पास क्या प्लान है, क्या अभी तक आपने थोड़ा बहुत कुछ वर्कआउट किया है कि क्या होना चाहिए? अजीत जी, मैं सबसे पहले आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने ये सवाल पूछा है। देखिए, उत्तराखंड में स्कूल्स का जो स्टैंडर्ड था सदा ही बहुत ऊंचा रहा है। अभी आपने बात की है स्टेट यूनिवर्सिटी की, उत्तराखंड के अंदर में 11 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और 11 प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिनको सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी कहा जाता है। हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ में जो हमने सबसे बड़ा काम किया है, 3 चीज़ों के ऊपर में हमने फोकस किया है। पहला है ऑटोनमी,
दूसरा अकाउंटेबिलिटी और तीसरा ट्रांसपेरेंसी। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आज के कॉम्पिटिटिव जमाने में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं इनका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक खास तौर पर ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने रिसेंटली 5 वाइस चांसलर्स के सिलेक्ट करने की प्रतिक्रिया की थी, और उसके अंदर में उनकी सिलेक्शन बिल्कुल तरीके से की, और उनकी जो इंटरव्यू इंटरेक्शन थी उसको भी हमने इन कैमरा रिकॉर्ड किया। और अभी ये भी आदेश दिया गया है कि स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर में जितनी भी इंटरव्यू सिलेक्शन होंगी वो इन कैमरा ही होंगी। इसके अलावा जिस प्रकार से मैं कहूँगा कि कोविड के टाइम में हमने सीखा है ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो टेक्नोलॉजी है इसको किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए। एक और बात है, खुशी तब होगी जब रिसर्च टेक्नोलॉजी यानी कि एकेडमिक की जो एक खास बात है उसका एक्सटेंशन किस प्रकार हर एक जन को हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो उत्तराखंड की सेल्फ फाइनेंस्ड यूनिवर्सिटी है उनकी भी मैंने एक मीटिंग की, पहली बार हुआ है ये एक साल के अंदर में मैंने उनके साथ में मीटिंग की, और मैं बहुत अच्छा लगा कि उनके भी जो स्टैंडर्ड्स हैं बहुत ऊँचे हैं। और आज के कॉम्पिटिटिव ज़माने के अंदर में सबसे जो बड़ी वर्ल्ड की और देश की संस्थाएं हैं उन्होंने उनको एम्प्लेसमेंट के लिए लिया। बहुत धन्यवाद गुरमीत सिंह साहब, हमारे साथ थे राज्यपाल गुरमीत सिंह साहब। तो देखिए उन्होंने बताया, अपनी प्रायोरिटी बताई और एक साल में क्या किया वो भी बताया, और भविष्य में वो क्या करने वाले हैं हायर एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, उनके प्लान में वो पहले से ही इनबिल्ट है। तो राजभवन से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। के बड़ी के बात करेंगे बागेश्वर की, यहाँ होम स्टे और ट्री हट्स में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि गैस रिसाव के कारण आग लगी थी और इस आग की वजह से लाखों के नुकसान की आशंका है। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आसपास आग फैलने से बचे। मौके की तस्वीरें आप देखिए, होम स्टे में अचानक से आग लगी, होम स्टे और ट्री हट्स में आग लगी फट गया, और इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग थी। लेकिन ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया है और लाखों के नुकसान की आशंका भी आग से जताई जा रही है। गैस रिसाव के चलते ये आग लगी, जिसके बाद काफी देर तक जो ग्रामीण मौके पर मौजूद थे उन्होंने कड़ी मशक्कत की और इस आग पर काबू पाया। तो बागेश्वर में ये होम स्टे था, हट्स थे, जिसमें अचानक ये आग लगी। और उत्तराखंड में फिर करवट लेगा मौसम, 14 सितंबर से 16 तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 17 और 18 तारीख को प्रदेश में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। 14 सितंबर से 16 तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 17 और 18 तारीख को प्रदेश में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। एक बार फिर से प्रदेश में मौसम बदलने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो एक बार फिर से मौसम करवट लेगा। तो 17 और 18 तारीख को प्रदेश में बहुत बारिश होने की आशंका जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। तो लगातार प्रदेश में मौसम करवट बदलता जा रहा है और एक बार फिर से कई जगहों के लिए, कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 14 सितंबर से 16 सितंबर तक ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और उसके बाद 17 से 18 तारीख तक भी प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। 13 तारीख सितंबर की हो गई है और अभी अगर मानसून की उत्तराखंड के लिए बात करें तो करीब लास्ट तक ये वापसी होती है, और अभी एक स्पेल जो है अभी 4 से 5 दिन की अगर बात करें तो इसमें अच्छी स्पेल एक मिलने वाली है। आज अगर 13 को बात है तो ज़्यादा एक्टिविटी बहुत नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी जो कुमाऊँ एरिया हमारा है तो वहाँ पे जैसे पिथौरागढ़ बागेश्वर है या नैनीताल चंपावत है तो इनमें हैवी वेरी हैवी रेन्स की संभावना आज भी है। और गढ़वाल की जहाँ तक बात है तो ठीक है, आप लाइट से मॉडरेट की बात कर सकते हैं और अनेक जगहों तक में आप ये कह सकते हैं कि जो कुमाऊँ रीजन है और कुछ जगहों में गढ़वाल रीजन में, लेकिन जब आप 14 को जाएंगे तो जो ये एक्टिविटी है बढ़ने वाली है। तो 14 और 15 की अगर मैं बात करूं या 16 की बात करें तो ये 3 दिन ऐसे रहेंगे कि करीब करीब जो है पूरे प्रदेश में जो अच्छी बारिश मिलनी चाहिए, हल्की से मध्यम ज़्यादातर जगहों में, और साथ में हैवी से वेरी हैवी रेन है तो वो कुमाऊँ क्षेत्र में रहेगी, और जो हैवी रेन्स है वो गढ़वाल में आप जो हिल्स है गढ़वाल रीजन के वहाँ पर भी वो मिलेंगी। लेकिन और आगे जब आप जाते हैं 17 या 18 तारीख में
तो एक्टिविटी दिख रहा कि और बढ़ेगी। उस समय एक जो है लो प्रेशर या सर्कुलेशन जो है बे ऑफ बंगाल में बन रहा है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी पहुंचकर अपनी विधानसभा चौबट्टा खाल का दौरा किया। इस दौरान सतपाल महाराज ने कहा कि पौड़ी जिले में पर्यटन गतिविधि बढ़े इसके लिए वे तत्परता से कार्य कर रहे हैं। महाराज ने ये भी कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत है। तो उत्तराखंड में भर्ती घोटाला मामले में रार खत्म होने का नाम नहीं दे रहा। जहां सरकार एक्शन में है तो विपक्ष सवाल पर सवाल दाग रहा है। उत्तराखंड में भर्ती घोटाला मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन में हैं और इसी कड़ी में आज भी देहरादून सचिवालय में उन्होंने अहम बैठक की, जिसमें सीएम ने साफ कर दिया कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। आगे की सभी भर्तियां पारदर्शी होंगी। तो हमारे आगामी जो भर्तियां होने वाली हैं, एक तो वो भर्तियां किसी भी तरह से प्रभावित न हो, उसको लेकर हमने एक बड़ा कदम उठाया है कि 7000 से ज़्यादा जो पद अभी वैकेंट हैं, जिनको अधीनस्थ आयोग से होना था, उन सभी को अभी ट्रांसफ़र कर दिया है लोक सेवा आयोग को। और निकट भविष्य में चूँकि जैसी ज़रूरत पड़ेगी, इसको इतना एक साउंड प्रूफ बनाना है इस तरह से कि आगे भविष्य में कभी भी गलतियां न हो। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए हमारे बच्चों का भविष्य है, उनका भविष्य प्रभावित न हो, वो परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित न हो। जो भी कार्रवाई हो रही है वो सब केवल और केवल बच्चों के भविष्य को लेकर हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मामले में तो गंभीर नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने सभी भर्तियों की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। सारे बेरोजगार संगठन, सारे राजनीति एक स्वर से मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई की जांच हो, क्योंकि इसमें आपराधिक प्रवृत्ति शामिल है। लाखों को लेकर के पैसे लेकर पेपर बेचे गए और सरकारी गोपनीयता को भंग किया गया। बड़ा सवाल है कि इस तरह के से जो राज्य की सेवाओं में जो व्यक्ति आएगा वो राज्य के साथ आम लोगों के साथ इंसाफ नहीं करेगा। सवाल है इस भर्ती घोटाले में सीबीआई की जांच करने से आप आनाकानी क्यों कर रहे हैं। भर्तियों पर रार सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस मामले पर नैनीताल हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर एसटीएफ पर सही तरीके से जांच नहीं करने का आरोप लगाया है। अब राज्य सरकार को 21 सितंबर तक नैनीताल हाई कोर्ट में अपना पक्ष देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए ऐसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।